आप देख रहे हो कि पूरी जनता मोदी के खिलाफ आ चुकी है। मोदी चाहता है कि विपक्ष को खत्म कर दे, ऐसा संभव नहीं है। जनता चाह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है और मोदी को सबक सिखाना है। मोदी चोर है, कुछ नहीं करता, बेईमान, हमारे केजरीवाल को अंदर करवा दिया उसने, झूठे इल्जाम लगा रहा सारे। क्या सबूत है? सबूत तो दिखाई नहीं रहा। ईडी मोदी के पिंजरे में बैठी है, पिंजरे में बैठा हुआ पंछी है ईडी। प्रफुल्ल पटेल के करोड़ों रुपए के घोटाले का सीबीआई ने नहीं कर दी, मिलता ही नहीं है। जो भाजपा में चला जाता है उसका सबूत नहीं मिलता। सारे भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में डाल रहे हैं वो। मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका हर एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप पीछे ये रैली देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है, आज इंडिया गठबंधन का महारैली हो रहा है केजरीवाल के समर्थन में, और ये नारे सुन लीजिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। मैं भी केजरीवाल हूँ, मोदी तेरा काल हूँ। क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो 400 पार के दावे कर दिए हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तमाम नारे। एक बात सुनिए, जब 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 तिरस्कार होता है, सूर्य जब उगता है उसको नमस्कार होता है। ध्यान रखिए, राजनीति रोज दिन पर दिन पलटती रहती है। आज से 15 वर्ष पहले गुजरात को याद कीजिए, जब सोनिया जी ने कहा था मौत का सौदागर, तो आज मोदी जी को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल काल बनकर आ गया है। मैं मोदी जी से आह्वान करना चाहता हूँ, मोदी जी पूरे देश को 200 यूनिट बिजली फ्री दे के दिखाइए। हम मानेंगे आप गरीबों के मसीहा हैं, हम मानेंगे आप 8500 करोड़ के जहाज के बदले साइकिल पर चलकर दिखाइए, आप शास्त्री जी के पच्चनों पर चल के दिखाइए, हम भी आपको सलाम करते। लेकिन आप तो अडानी और अंबानी की गोदी में जाकर बैठ गए। मोदी जी कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, आप विकास नहीं चाहते क्या? अरे विकास तो उनका खुद का नहीं हुआ, बाकी किसका क्या होना था? अडानी और अंबानी का ही विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आम जनता इसीलिए आज एक साथ क्यों है सड़कों पर, इसीलिए किसी का विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाई जा रही है? कोई सबक नहीं सिखाया जा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है तो भ्रष्टाचार अपने आप बढ़ रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम आंदोलन बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं रामलीला मैदान में। तानाशाही को खत्म करना है। तानाशाही ईडी और सीबीआई को तोतार मैना कहती थी यही भाजपा, आज इन्होंने उसको चंगुल में बिठा लिया है। एक पर्ची लिखते हैं और अपना क्या इलेक्टोरल बॉन्ड 466 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? 466 करोड़ रुपए एक आदमी ने डाले इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो क्या है? कितने हजार का घोटाला है? इसका मतलब तो ये है कि आप किसी को भी प्रताड़ित कीजिए, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे लीजिए और उसको वॉशिंग मशीन में घुमाइए और उसकी फाइल को गायब करवा दीजिए। मंत्री कह रहे हैं कि कंपनियों ने हमें अपनी स्वेच्छा से दी है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? छगन भुजबल की फाइल भी तो ईडी से स्वेच्छा से ही गुम हो गई। छगन भुजबल की फाइल भी तो स्वेच्छा से ही गुम हुई है या अपने आप गुम हो गई? अरे सबूत नहीं मिल पाने के कारण तमाम लोगों की फाइलें बंद कर दी जा रही हैं। तमाम केजरीवाल जी के खिलाफ भी नहीं, प्रफुल्ल पटेल के करोड़ों रुपए के घोटाले का सीबीआई ने सबूत नहीं कर दी, मिलता ही नहीं है। जो भाजपा में चला जाता है उसका सबूत नहीं मिलता। वॉशिंग पाउडर निर्मा हुआ करता था, अब वॉशिंग पाउडर भाजपा हो गया है। टाइड में घुमाइए। बीजेपी कह रही है सर कि एक बोतल पे जो दो बोतल फ्री दिए थे केजरीवाल ने, उससे दिल्ली की जनता का क्या हाल हुआ? अस्पतालों में जाकर पता कीजिए, पूरी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है, उसे बीमार किया है, अस्पताल पहुंचाया है। आपने देखा है गुड़गांव में शराब पॉलिसी क्या है? आपने देखा यूपी में शराब पॉलिसी क्या है? शराब पॉलिसी क्या है पहले पता कीजिए। हरियाणा में क्या लोग शराब नहीं पी रहे? गुजरात में तो 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उस आदमी का पता ही नहीं लगा। अवैध रूप से बंदरगाह पर 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स आई और वो बंदरगाह भी गायब हो गया, आदमी भी गायब हो गया और जहाज भी गायब हो गया। मोदी जी को एक ही नाम से खतरा है, वो नाम है केजरीवाल। केजरीवाल से क्यों डरेंगे मोदी जी? अमेरिका जी ने आवाज मारी है, अमेरिका ने क्यों नहीं डरेंगे? जो आदमी शिक्षा दे सके, जो स्वास्थ्य दे सके, जो बिजली पानी फ्री दे सके, क्या को ईमानदारी से प्रॉब्लम है? मोदी केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े हैं, नहीं तो हम नहीं जुड़ते, हमें इंटरेस्ट ही नहीं था राजनीति में। कह रहे भ्रष्टाचारियों को सजा दे रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में डाल रहे हैं वो।
हूँ। दूसरे पार्टी के एमएलए एमपी खरीद खरीद के अपनी पार्टी में घुसा रहे हैं वो। अरे तो केजरीवाल ईमानदार है तो भाजपा में क्यों नहीं जाते? ऑफर आए थे उनको। क्यों, जब वो ईमानदार है तभी तो रुके हुए, जो बेईमान है वो तो सारे भाजपा में घुस गए। क्यों कराया अरेस्ट? ताकि इनका इलेक्ट्रॉन वोट का रहस्य छुपा रहे। जो चंदा ले रहा है वो भी इन्होंने जो गायब करा वो भी। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। खुद केजरीवाल, खुद मोदी भ्रष्टाचार है। वो केजरीवाल को क्या, मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका हर एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो केजरीवाल पे। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, आप लोग केजरीवाल जी ने क्या काम किया? मैं बताती हूँ केजरीवाल ने क्या काम किया है। आरक्षण दिलवा दिया महिलाओं को, वो सिर्फ पेपरों में होता है, वो सिर्फ पेपरों में होता है। मोदी से खुश नहीं है महिलाएं? बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। केजरीवाल जी ने जितना काम किया है, जितना केजरीवाल जी ने काम किया है उतना देश का कोई नेता कर ही नहीं सकता देश के लिए। बड़ी बात महिलाएं जो बता रही हैं ये सुनने वाली है। और यह आप जिधर देखेंगी, ये पूरा जो है तस्वीर जो देख रही है, पूरा रामलीला, ये भीड़ जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर, केजरीवाल भ्रष्टाचारी ऐसा बीजेपी कह रही है? बीजेपी तो और भी बहुत कुछ कह रही है मैडम। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी तो बीजेपी पार्टी ही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ओपन होने के बाद भी वो अपनी कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आने दे रहे। एक नंबर के चोर हैं, लुच्चे हैं। केजरीवाल जी को जबरदस्ती बंद कर रखा है, प्रूफ देने के बाद भी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रिक कंपनी को गए, ये अपना दवाई वाली कंपनी को गए हैं, वो सब प्रूफ देने के बाद भी अपनी वॉशिंग उनको छोड़ते नहीं है। और केजरीवाल ने एक बोतल पर दो बोतल शराब फ्री किए जिसके कारण जनता बर्बाद हो गई दिल्ली की। मैडम ऐसा है, कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, सबके पास अपना दिमाग होता है। जिस एक पे एक फ्री करी तो हमने तो नहीं चालू करी पीनी, ठीक है जी। और बाकी जिसने पहले, जिसने दो ही पीनी है वो दो खरीद के भी पी सकता है, जरूरी नहीं कि एक पे एक फ्री होगी तो ही पिएगा वो, ठीक है जी। और शराब की जो पॉलिसी थी, ये जिसको अंदर किया है इन्होंने मल्लिका अर्जुन को, और जो बाहर बेल पे निकाल दिया है, ये पॉलिसी का पैसा सारा उसने दे के आगे फॉरवर्ड किया है। दिल्ली में तो पटाखे फूट रहे थे केजरीवाल के जेल जाने से। देखो जी, हर पार्टी का आदमी है यहाँ पे, ठीक है जी। बीजेपी वाले ही पटाखे फोड़ रहे थे। और ऐसा है, किसी राजा की प्रजा, मतलब किसी राजा का राज हमेशा नहीं रहता है, ठीक है जी। कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये बात? मोदी को ही कह रहे हैं, और किसको कहेंगे? मोदी जी 400 पार ला रहे हैं। हाँ, 40 पार आ जाएंगी ना मैडम, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है जी। आपको क्या लग रहा है? मोदी के लिए बोल रहे हैं हम, बोतिया बताइए क्या कर रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं 400। हमें मोदी अपनी सर्टिफिकेट दिखाए, वो पढ़ाई किया है। मोदी जी ने मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है, हम इनको डंग पे डंग पढ़ेंगे, डंग पे डंग पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ये 400 पार करते हैं कि नहीं करते। मैडम ये तो रिजल्ट जून में आएगा, तभी मालूम चलेगा। केजरीवाल छूट पाएंगे? दिल्ली की सरकार जो है जेल से चलेगी, एलजी तो कह रहे नहीं चलने दे। मैडम अंग्रेजों की सरकार आई थी, उन्होंने भी बहुतों को जेल में डाला था, लेकिन एक केजरीवाल को अगर ये बंद करेंगे तो हम सब केजरीवाल हैं, हम लोगों को कितनों को बंद कर देंगे? अल्टीमेट वोट हम लोगों ने देना है और जनता सब देख रही है, जनता सब इन्हीं को वोट देगी, केजरीवाल गवर्नमेंट को ही देगी वोट, क्योंकि हम सब तानाशाही देख। आप देख सकते हैं ये नारा किस तरीके से गूंज रहा है, मैं भी केजरीवाल, मोदी तेरा वाल, क्या कह रहे हैं जी? देखिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और सभी इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। इंडिया 700 सीटें केजरीवाल को जाएंगी, मोदी जी कह रहे हैं पूरी दिल्ली की सीट हमारे पास आएगी, 700 सीट बीजेपी। वो समय बताएगा, अभी जब ये रिजल्ट आएगा तो समय बताएगा। पूरी जनता, देश की जनता मोदी के खिलाफ सड़कों पे उतर चुकी है, आप देख रहे हो कि पूरी जनता मोदी के खिलाफ आ चुकी है। मोदी चाहता है कि विपक्ष को खत्म कर दे, ऐसा संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। मोदी, आप केजरीवाल जी को जेल भेज के सोच रहे हो कि हम देश पे कब्जा कर लें, ऐसा नहीं होगा। जनता मोदी में है, मोदी को चाहती है जनता। देखो जनता रिजल्ट बताएगी, और जनता आप देखा हो कैमरा आपको कि जनता क्या चाह रही है। जनता चाह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है और मोदी को सबक सिखाना है। भारतीय जो जनता पार्टी की ये जितनी अहम आ गया है भारतीय जनता पार्टी में, उसको ये जनता आज खत्म करने जा रही है। ये 400 पार के वादे कर रहे हैं। देखो 400 पार जो होगा
वो आप भी यही है, हम भी यही है। 400 पार जो जाएगा वो पेट्रोल और डीजल जाएगा, वो बता रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल डीजल जाएगा। तो इस बार जनता इस बार इसको मौका नहीं देगी, इंडिया गठबंधन को मौका देगी और जनता सड़कों पे वो देख रहे हैं। केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी है जी, नहीं के ये जनता बता रही है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति है और उसके समर्थन में देखो लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। और केजरीवाल देखो मैंने क्या बताया, मोदी चाहता है कि विपक्ष कोई ना रहे, ऐसा नहीं होगा। ये एक एक बंदा केजरीवाल है, एक एक आदमी केजरीवाल खड़ा है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। महिलाओं से बात करेंगे, क्या कहेंगे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? नहीं, इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं आज। क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। ईडी का बीजेपी के जितने भी नेता है, क्या ईडी को वो नजर नहीं आते हैं? तो अरविंद केजरीवाल पे केंद्र सरकार के उसमें गलत इल्जाम लगाया गया है। बीजेपी कह रही है जनता को लूटा है केजरीवाल, जनता की सेवा करी है केजरीवाल ने। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, और हर तरीके से कोई भी वो ले लो, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, हर तरीके से उन्होंने जनता की सेवा करी है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे सर केजरीवाल? जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताए जा रहे हैं। बताने से क्या होता है, ये पब्लिक के दिमाग दिल में है, दिमाग में है। जिस आदमी ने इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, आज पूरे देश में वो अकेला भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर दिया। कौन है डिक्लेयर करने वाला? कौन से कोर्ट ने उनको दोषी दिया है? मोदी चोर है। तो आप सुन सकते हैं, मोदी चोर है, कुछ नहीं करता, बेआईब हमारे केजरीवाल को अंदर करवा दिया उसने। ठीक है, मोदी ने केजरीवाल झूठे इल्जाम लगा रहे सारे। क्या सबूत है? सबूत तो दिखाई नहीं रहा, खाली सबूत। ईडी का सबूत के पास कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है ईडी के पास। ईडी उसी की है। ईडी ईडी मोदी के पिंजरे में बैठी है, पिंजरे में बैठा हुआ पंछी है ईडी। ईडी की क्रेडिबिलिटी खत्म है। जब पब्लिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल ने इतने बड़े काम करे हैं इतने सालों में, उसके बाद मतलब एक बात बताओ, केजरीवाल भाई इतना क्या पर है? उतना मतलब एक हम जैसा और उसके बाद मतलब कांग्रेस ने क्या करा, उसके बाद मतलब मोदी ने क्या करा, केजरीवाल ने जो इतने इतने टाइम बाद दिल्ली में इतना इतना काम करके दिखाया, तो जनता को लूटा है। अच्छा, कैसे कैसे लूटा है? क्या कैसे लूटा है? वो हमारे जैसे एमएससी करा हुआ आदमी, और उसके बाद मतलब लुट गया, लुट गया, लुट गया, मोदी के सपने लुट गए। केजरीवाल जी ने लूट लिया, केजरीवाल जी ने मोदी जी को लूट लिया, मोदी के सारे सपने केजरीवाल जी ने लूट लिए हैं। हाँ, मोदी जी कह रहे 400 पार ला रहे हैं और दिल्ली की 700 सीटों जो है भाजपा के खाते में जा रही है। उनके कहने से कुछ नहीं है। पहले एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देख रहे हैं, उन्हें देखने दो। केजरीवाल जी अपने दम पर 700 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसको मिलेंगी। चलिए, तो आप ये 700 सीटें मतलब केजरीवाल को मिलनी चाहिए, दिल्ली की 700 सीटें मिलनी चाहिए। और केजरीवाल बहुत अच्छा काम करता है। मनोज तिवारी और भाजपा पूरी कह रही है कि दिल्ली की 700 सीटें, भाजपा जो है एक तरफा चलता है, वो बिहारियों की तरफ चलता है। तो आप ये जनता की मूड देख सकते हैं, और किस तरीके से ये हर पूरा जो है रोड खचा कच भरा हुआ है। रामलीला मैदान से अभी हम बहुत दूर हैं और वहीं पर ये पूरा रास्ता जो है जनता से भरा हुआ है। उनके अंदर की जोश आप देख सकते हैं, कितना जोश है। साफ कह रहे हैं कि दिल्ली की 700 सीटें जो है वो केजरीवाल के खाते में जाएंगे। इसी के साथ नारे लगाए जा रहे हैं, मैं भी केजरीवाल, मोदी तेरा काल, नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए, हर किसी के हाथों में झंडा है और इसके साथ साथ मैं भी केजरीवाल का टी शर्ट लोगों ने पहन रखा है। साफ जनता का साफ कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया है और हम दिल्ली के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और केजरीवाल के साथ है। और अब जो है ये चौराहे की तस्वीर देख लीजिए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का जो बड़ा रैली आज होने वाला है रामलीला मैदान में, जहाँ पर सभी आने वाले हैं, और ये खचाखच लोगों से जो है हुजूम देख लीजिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।